तो वरुण गोयल पंजाब चोन 2022, और इसमें बीजेपी की भूमिका को लेकर कई तरह की बातें थी, लेकिन बीजेपी की जब दूसरी लिस्ट सामने आई तो कुछ नाम ऐसे थे जो चौंकाने वाले थे, और उसके बाद समझा यह जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है उसकी स्ट्रेटजी कुछ और नजर आ रही है। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, वो पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, और अब वो फगवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सांपला जी। सांपला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सांपला साहब, अचानक से दिल्ली से आप फगवाड़ा आ गए हैं, ये मायने की है? ये मायने है कि भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव ने जिदा तुसी पहला गया कि गंभीरता न ले रही है, और पार्टी का आदेश सी कि तुसी जाके फगवाड़ा तो चुनाव लड़ना, जबकि साड़ी तो कोई तैयारी भी नहीं सी, ना ही असी कभी दावेदारी भी नहीं इसकी की थी। तो पार्टी का हुक्म होया, और पार्टी के हुक्म दे अगे कोई मायने ही नहीं होंगे, और असी एज ए पार्टी के सिपाही होने के नाते इतने आए। तो उम्मीद है कि असी इतों जरा बहुत सक्सैस होकर निकलांगे, क्योंकि फगवाड़ा वास्ते मैं नवा नहीं है। मैं लोग सभा का चुनाव जितया है, तो क्योंकि ये लोग सभा क्षेत्र के ही आता सी हुशियारपुर के, तो उस वेले लोगों की डिमांड सी इतने इंडस्ट्री साले भी सी, पूरे दुआबे की डिमांड सी इतने एयरपोर्ट होना चाहिए। तो एयरपोर्ट असी बनाया, सारे जानते हैं किन्नी मेहनत की। जिस फगवाड़े से तुम एंटर किया होगा, पुल देखा होना, बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड है, और ये भी बहुत लंबे समय तो जी डिमांड से, और जो मैं एम पी बनया तो बहुत सारे जो बाजार के संगठन की, मतलब शहर वासियों के, समाजिक व्यापारिक सारे ने मैनु आन के कहा कि इतने एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, क्योंकि सरकार की शायद प्रपोजल जी मिट्टी वाला पुल बन मिट्टी वाला पुल बना की सी, शहर दो हिस्सों से बंद हो जाना सी, दीवार खड़ी हो जानी सी, तो लोगों ने क्योंकि बहुत लंबा पुल है तो सारे ने कहा कि इतने एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, और मैं वो एलिवेटेड रोड बनाया, और लोग उसनों अज ये मानते हैं कि ये भी संपर्क का बहुत बड़ा योगदान है। दुआबा जो है NRI बिल्ट है, और सारे इतने विदेशों से जाते हैं, और इतने के लोगों क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस जलंधर ही सी, और बहुत लंबी लंबी लाइन लग गई, सवेरे 4 बजे जाके खड़े होंगे, कई बार तो इदा रात को भी आदमी खड़े होंगे कि सवेरे साड़ी बारी छेती है, बहुत लंबी लाइन लग गई सी, असी कई बार तो हफ्ता हफ्ता बंदे की बारी ही नहीं सी आनी, और इतने से कि पासपोर्ट ऑफिस जोड़ा बने, असं इतने फगवाड़ा के पासपोर्ट ऑफिस भी बनाया। इतने फगवाड़ा इंडस्ट्रियल सिटी भी है, इंडस्ट्रियल सिटी होने के नाते इन्हों का काम जोड़ा बहुत बाहर जाता, और ईवन दैन इतों एक्सपोर्ट भी बाद हों, इंजन का समान जोड़ा आ पार्ट्स ये वो सब कुछ इतों बाहर, पर इतने पार्सल ऑफिस नहीं सी, रेलवे का पार्सल ऑफिस या तो जलंधर से या लुधियाना से, इंडस्ट्री सिटी से यह, और ये जो व्यापारियों ने मैंने कहा कि भी साढ़े उत्थे पार्सल ऑफिस ही नहीं है, तो असी उन्होंने भी इतने पार्सल ऑफिस जो बनाया, क्योंकि उस कंडीशन से कि 5 मिनट का स्टॉपेज होना जरूरी है, और असी उन्होंने मान लो 5 मिनट का स्टॉपेज भी कराया, और इतने पार्सल ऑफिस भी कराया, सो व्यापारियों की वो भी मंग ने पूरा किया। इतने इंजन पार्ट्स जो इंजन बहुत बनता, जो तुम देखते हैं सिंचाई वास्ते जिन पीटर इंजन भी कहते हैं, सिंचाई वास्ते काम बहुत आता, जनरेटर च भी काम आता, और वो इतने फगवाड़ा च बनता है, पूरे हिंदुस्तान सप्लाई करता, और विदेशों भी एक्सपोर्ट भी होंगे, पर उत्थे बहुत सारी लेबर जी उन्होंने बेकार जाती सी, क्योंकि उन्होंने को मशीनरी नहीं सी। इतने असं 19 करोड़ रुपए ने एक कलस्टर बनाया सी, कास्ट अलमोनीयम जोड़ा सी उसका एक कलस्टर बनाया, ताकि उन्होंने जो पिस्टन वगैरह बनते हैं ताकि उन्होंने जॉब काम नहीं, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इतने बने, सो जरा फगवाड़ा वासिया काफी डीप नॉलेज आपको फगवाड़ा की। असी जी जो उन्होंने समस्या सगिया उन्होंने सुनिया, सुन तो बाद समस्या सुनिया समझिया तो समाधान किया, सो ये जानी ऐसा मेरा जो मेरा टेन्योर खत्म होया, तो मैं इतने बहुत सारे फगवाड़ा वासियों या
ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ GST ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ GST ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ, ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या मल्टी कॉर्नर फाइट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैसे जोगिंदर मान है या दूसरे जो कैंडिडेट हैं? निस्संदेह सभी यहाँ पर बड़े नेता हैं, सभी यहाँ पे MLA रह चुके हैं और गड़ी जी बसपा के बसपा के प्रधान हैं जी, तो इस करके जिहड़ा मुकाबला तो सारे ही मुकाबले च ने, पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी साडा विश्वास। एक सवाल इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि BJP ने कहा था कि पंजाब में SC भाईचारे का CM हम देंगे, और इस चर्चा को बल तब मिल गया जब विजय सांपला दिल्ली से यहां बुला लिए गए हैं, और पंजाब में BJP का SC भाईचारे का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो विजय सांपला है। देखिए इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, ये आपका अपना अंडरस्टैंडिंग हो सकता, थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मैं जो हिंदी बोलते मेरी बोला सर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਸ਼ਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੰਥ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡਿਆਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਖੌਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਔਰ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢ ਬੈਠਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਰਦਾ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਾਂਗਾ ਫਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ,
और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਣਨਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਏ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਯੂਪੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੀ ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਏਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ लेकिन सर वो सवाल मेरा उसमें था कांग्रेस ने बड़ा इंडोर्स किया कि उसने एससी भाईचारे का सीएम दिया है उसकी बड़ी चर्चा भी रही और अब वहां पे एक इनफाइटिंग भी देखने को मिल रही है सीएम चेहरे को लेकर के आपको लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा उन्होंने जो है वो अपनी ओर कर लिया तो मैं कहना कि एससी का रौला तो बहुत पौधे कांग्रेस भी एससी का मुद्दा लेके अगे नु आई है सीएम बनाता बड़ा शोर मचा रहा मीडिया दे विच भी बड़ा शोर है पर मैनू एक ऐसा काम दस दियो जिहड़ा एससी भाईचारे नु लेके होया एससी भाईचारे का विकास की पहले तो सीधी गल जी घोषणा हुई इंप्लीमेंट नहीं हुई जिहड़ा किया वो कहते धरातल से नहीं दीदा दूसरा जिहड़ा कर सकते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पंजाब दे विच बहुत वड्डा इशू है केंद्र सरकार ने इस साल का जिहड़ा 60% जारी करता सूबा सरकार ने नहीं जारी किया हुण एससीआं की गल हो एससीआं का भविख कित्थे है उन्हां दी जनरेशन जिहड़ी पढ़ लिख के बराबर से खड़ी होगी समाज मुख्य धारा दे विच आणगे सारे दे ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਕੱਲਾ ਐਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਨ ਜਾਊਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਐਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਐਸੀ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਐਸੀ ਸਭ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਐਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁੰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸੀ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 111 ਦਿਨ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੋ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਦਿਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਐਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ लेकिन मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ सर कि पंजाब में बीजेपी का रोल क्या है भाई
क्या बीजेपी यहाँ खेल खराब करने के लिए है, प्रेजेंस दिखाने के लिए है, या वाकई पंजाब में बीजेपी कुछ करने जा रही है ऐसा कि उसकी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि तो किसानी आंदोलन को लेकर आपने शुरू में ही बता दिया कि बीजेपी ने बहुत गंभीरता से लिया, तो अभी जवाब नहीं आपने दे चुके नहीं हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि किसानी आंदोलन हुआ, कहा गया कि बड़ी नाराजगी है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा, अब बीजेपी अलायंस करके यहाँ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की प्रेजेंस पंजाब में कैसी रहने वाली है? देखो वो जो कुछ लोग थे जो इस आड़ में खत्म करना चाह रहे थे, वो अपनी राजनीति अलग तरह से दुकानदारी अलग से चला रहे थे। मोदी जी ने उनकी दुकानदारी बंद कर दी, और ये भी है कि उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि लोगों की जनता को मैंने समझाना था, समझा नहीं पाए, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि कानून अच्छे थे मगर उनको नहीं पसंद तो हमने वापस ले लिया। तो इसमें उनकी जो है, आज मुझे एक भी कारण बताएं, अभी भी मैं कह सकता हूं कि कोई भी एक आदमी आके ये बताए कि इस कानूनों में ये खराबी थी, कोई खराबी नहीं। जब हम किसी को बोलते थे बैठ, तो वो कहते बात ही नहीं करनी, यानी बात ही नहीं करनी तो उसका तो कोई समाधान नहीं। लेकिन वो जत्थेबंदी अब चुनाव लड़ रही है, अब वो उनका मकसद ये था, हम तब से कह रहे थे कि ये इनका, ये कोई चुनाव किसान नेता नहीं है, पॉलिटिकल एम्बिशन, ये पॉलिटिकल एम्बिशन है, उनकी आशाएं कुछ और ही है, उनका टारगेट कुछ और ही है, ये कोई किसान नेता नहीं थे। किसान तो वो तो आज किसान ही कह रहे हैं कि ये जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के साथी जो उनके साथ बैठे थे, आज उन्हीं की स्टेटमेंट आ रही है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, उन्हीं की स्टेटमेंट है कि ये तो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एम्बेसी। और उनका जो उनकी जथेबंदी के बाकी आधे हिस्से वो भी उनके खिलाफ है, ठीक है, जो अपने आप को किसान बनना चाहते थे उनकी तो आज वो खत्म कर दिया, क्योंकि वो तो राजनीति का आशय छल लेके बैठे थे। तो ये उसमें कहीं भी किसान के लिए भले के लिए ये बैठे भी नहीं, और आज लोगों को बहुत सारे कुछ समझ आ चुका है कि अगर कहीं कुछ किसानों के लिए कर सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आपको कानून नहीं मंजूर तो वापस ले लिए, मगर कोई और कोई दोष लगा के देखो, किसानों के खाते में जो छोटे किसान है उनके पैसे जाते नहीं है, हर क्वार्टरली 2000 रुपए जाते, साल का जो है वो 6000 रुपए उनको दिया जा रहा है, तो हर उनको किसानों के हित के लिए दिया जा रहा है, किसानों के लिए योजनाएं बन रही है, किसान बीमा योजना है। अब किसान के लिए हित के लिए अगर पंजाब में सरकार हित होती, चाहे वो अकाली थी जब कांग्रेस थी, एक बार किसान बीमा क्यों नहीं बनाई, योजना क्यों नहीं शुरू की? अकाली तो आपके साथ थे ना, तो किसी के साथ हो क्यों नहीं शुरू किए? हम तो ये कहते हैं, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, क्या किसी रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री या उसके साथ संबंधित किसी भी उपक्रम के साथ कभी भाजपा का कोई मंत्री, मान लो ना मंत्री था ना कोई चेयरमैन था, एग्रीकल्चर में मार्कफेड है, पनसीड है, पनसप है, पनवेयर है, पंजाब वेयरिंग हाउस है, मार्कफेड है, इनमें से कभी कोई हमारा चेयरमैन रहा? हम इस लाइन से कटे हुए थे, क्योंकि अकाली दल तो कहता था आप शहरों के ऊपर ध्यान दो और गांव की तरफ हम देंगे, आप किसानों की बात आती नहीं, नहीं ये आपका काम नहीं, आप व्यापारियों से बात करो, किसानों से हम करेंगे। और जिस दिन हमें उनकी जरूरत पड़ी तो वो हमें छोड़ कर चले गए, वो हमें धोखा देकर चले गए। और वही जो व्यक्ति थे एक महीना पहले तक, मतलब एक उस इस्तीफा देने से एक दिन पहले तक वो इसकी वकालत कर रहे थे कि भाई ये कानून नहीं, ये नू मास का जो रिश्ता है क्या ये, अब ये स्वार्थ जब नहीं, नहीं ये तो कह रहे पोस्ट अलायंस होगा, ऐसे स्पेकुलेशन। भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया, अपना जिला साडा गठबंधन सी वो सी पूरी तरह निभाया, और ओदे च असी किसी तरह की भी, सानू तो मीडिया वाले ये कहते होंगे सी तुहाडे साथी के भाजपा जिहड़ी है वो पंजाब च कुछ करके नहीं दिखाती, अकालिया थले लग के रखी, असि थले नहीं, नहीं ये तो पंजाब बीजेपी यूनिट कहती थी, असि थले नहीं सी लगे, असि गठबंधन धर्म निभा रहे सी, जिहड़ा तुसी 9 मास दा रिश्ता कहिंदे, और अंत तक असि गठबंधन धर्म निभाया साडियां, क्योंकि असि सांझ जिहड़ी असि दसना चाहुंदे सी उह किते ना किते अकाली दल च स्वार्थ ज्यादा जाग गया, जिहदे करके अज पछता रहे ने। और मैं भी कहना गठबंधन उन्होंने धोखा दित्ता है, और अज जाके पूरे पंजाब च देख लो पोस्ट अलायंस, मैं ना पहला मेरी गल खत्म है, अज पूरे जाके पंजाब च देख लो के अकाली दल का ग्राफ पहले नालों डाउन होया ते भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उपर होया, क्यों? क्योंकि लोग जिहड़े भारतीय जनता पार्टी दी नीतियां का समर्थन करते हैं। अज भारतीय जनता पार्टी बाकी सारियां पार्टियां तो लोग आ रहे हैं,
क्यों आ रहे ने, क्यों क्यों उन्होंने लगता है वो अज साडी विचारधारा अपनी विचारधारा अपने आप समर्पण कर रहे हैं। कारण कि लोगों हम लगन लग पाया कि हम भारतीय जनता पार्टी ही देश का भविख है और बॉर्डर एरिए बहुत जरूरी है कि ऐसे संगठन का मान लो ऐसी पार्टी का आना जिहड़ी देश की प्रदेश की और जनता की खुशहाली की गल करे, भाईचारक सांझ की गल करे, वह किसी ने की है तो सिर्फ तो सिर्फ भारतीय जनता। मैं इसमें सवाल ऐड कर रहा हूं सर कि अब कांग्रेस राहुल गांधी आए पंजाब और वो बता गए हैं कि वो चेहरा देने जा रहे हैं, कौन सीएम फेस होगा, आप लोगों के लिए मुश्किल विरोधी कौन है, नवजोत सिंह सिद्धू रहेंगे या चरणजीत चन्नी रहेंगे? मेरा ख्याल दोनों ही आपस में लड़ लड़कर अपने आप को खत्म कर लेंगे। तीनों जितने तीनों चेहरे हैं तीनों के रास्ते अलग अलग हैं, तीन ही वक् वक्रिया राह चल रहे हैं। सो साडे लई उन्हां दा ते असीं उन्हां दीआं लई शुभकामनावां लई देंगे, पर वो जिस तरीके दे नाल चलण डे है वो ना तो कांग्रेस दे लई वधिया है, ना इस सूबे दे लई वधिया है और ना ही जिहड़ा है वो इस समाज नूं देश नूं किसे अगे लिजा सकदे। जिहड़े अपने स्वार्थां लई लड़ी जांदे आ मैनूं आ मिल जाए मैनूं उहनूं मिल जाए, वो देश दा जां प्रदेश दा की सवारणगे, सत्ता दे लई आना और मैं पद लैणा एक दूसरे नूं खोणा है वो जिहड़ा कोई जिहड़ी राजनीति दा विशा नहीं। राजनीति की हुंदी है, राजकरण की नीति, विचारधारा, किसी को विचारधारा ही नहीं है, सिर्फ यही है कि असी सीट लैनी है वो चाहे जिस तरीके ना मर्जी जितने की कोशिश करनी, चाहे ए करिए बी करिए सी करिए, बहुत सारी तो चल रहे हो उसके वल नूं तुरना है। किसी ने देश नूं प्रदेश नूं उहदी उचाइयां ते लैके जाना, इस वेले तो खुशहाली वल नूं तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा, भाईचारक सांझ की तो कोई गल ही नहीं कर रहा। लड़ लड़ मर जाओ और जिन्ना लड़ोंगे उन्ना साडे कोल आउंगे, साडियां जिहड़ियां गलतियां तुसीं छुपाओ, ठीक है, तुहानूं जो समाजिक जिहड़ियां दूरियां बढ़ा दूंगे, समाज आपस विच लड़ी जाऊगा, उपर की कही जांदा खाई पी जांदे कोई पुछण वाला नहीं। सो यही वो दसना चाहते, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अलग तरीके का इशू है, वो समाज नूं कुछ देना चाहते, प्रदेश नूं कुछ देना चाहते और देश की जिहड़ी है उसकी विकास दे विच अपना पंजाब का भी पूरा हिस्सा होवे ये भी पूरा चाहते। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाना, क्योंकि भाई पहले वो कांग्रेस की सरकार थी, आप लगातार विरोध करते थे, पब्लिक में जस्टिफाई कैसे करेंगे आपकी उनके साथ आपका अलायंस हुआ है? देखिए आज वो दस की रहे ने, की दस रहे ने कि कांग्रेस किस तरह की विचारधारा दी, आदमी वो कह रहा कि जिहड़ा बिच रह के आया और उन्हूं जिसका लास्ट मूवमेंट दे हटाना और उस तो बाद भी जे उहदे च कोई कमी पेशी सी फिर कोई चंगा लै आउंगे, जे चंगा लिया तो फिर चार लीडर उन्होंने आपस में लड़ लड़ के क्यों मराई जाते हैं? अगर जिन्ना चर वो घट्टो घट ठीक तो सी, मतलब उन्होंने कैप्टन साहब ने दसता कि भी कांग्रेस के सिर्फ पदा की लड़ाई है, मैनू आ दे दौ मैनू आ दे दौ, करना की है सर्विस की कोई किसी पास लड़ाई नहीं है। इस करके अज उस चीज का ज्ञान तो किसी भी किसी वेले भी प्राप्त हो सकता और अज वो इस सच्चाई लोगों दस रहे हैं कि कांग्रेस दे विच किते भी जिहड़ी आ लोकां दे वास्ते प्यार नहीं हैगा। और जे उह अज उहनां ने भी समझ लिया आ कि अज जे देश नूं प्रदेश नूं अगे लिजा सकदे, समाज दी कोई गल कर सकदे, भाईचारक सांझ नूं मजबूत कर सकदे ते सिर्फ ते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इस करके इहनां दा इस कीता, अकाली दल तो टुट गया सुखदेव सिंह ढींसा जी, उहनां ने भी इह महसूस कीता, नहीं तां आखिर उह इन्ना चिर रहे अकाली दल नूं उहनां ने छड्डिया, क्यों छड्डिया? क्योंकि उन्होंने कोई विचारधारा तो है ही नहीं सी, तुहाडी कल नूं कमीज का रंग पसंद नहीं है चलो बाहर, कमीज का रंग बहुत सोहना सी चला जा अंदर, मान लो कोई ये नहीं कि मेरे मन नूं पा गया तो ठीक, नहीं पाया तो चल बाहर। यानी ये चीजा जिहड़ियां राजनीतिक विचारधारावां नहीं हुंदियां, ये तां जिहड़ियां बहुत सारियां अपनियां जिहड़ियां आशावां इच्छावां नूं दबाउणा पैंदा, लोकां दीआं आशावां इच्छावां दे उत्ते उहनां नूं जगा के उहनां नूं पूरन करना हुंदा, ये नहीं कर पाए और अज ये नवा गठबंधन बनया तो उन्होंने आशावां इच्छावां ते खरा उतरेगा। चलो सर बचे हुए पार्टियों की बात कर लें, भगवंत मान चैलेंज है आपके लिए? आज की डेट में कोई भी चैलेंज नहीं, भगवंत मान जी को आप भी कितना प्यार देते हैं, जनता कितनी प्यार देती है वो 10 तारीख को पता चलेगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। और कांग्रेस को तो किसी को विरोधी चाहिए नहीं, वो तो अपने आप में लड़ जाएंगे, जितनों को टिकट दी वो भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, चाहे वो ऊपर से बड़े नेता हैं चाहे नीचे नेता हैं।
और कल भी आपने देखा होगा कांग्रेस की नीति क्या है, देश को क्या देना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री आता तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, और पुलिस और सारा प्रशासन हाथ खड़े कर देता, हम उनको नहीं हटा सकते। कल राहुल गांधी आया तो 5 किलोमीटर का रास्ता ही ब्लॉक करते, पूरा ब्लॉक कर दिया, कोई आ ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, पार्किंग भी नहीं कर सकते। तो ये मानसिकता समझ नहीं आती एक देश के प्रधानमंत्री, और उनको आप इस तरह से कर रहे हो और अपने लिए ये कर रहे हो, तो ये जो पूरे विश्व में पंजाब की साख को गिरा दिया, पंजाब की एक पॉलिटिकली एक सोच को ही, वो कह रहे हैं जी पंजाब को बदनाम करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं 5 जनवरी के बाकी पे, कांग्रेस कांग्रेस बार बार कह रही है। तो ये बताइए ना, बोले ये कहने की क्या जरूरत थी कि जान को खतरा है, बोले किसी ने कोई आया थोड़ी था उनके नजदीक, मतलब जो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी। चलिए फिर कल जो राहुल गांधी आए थे तब क्यों ब्लॉक कर दिए सर रास्ते, तब उनको भी जान को खतरा ही होगा तभी बस ब्लॉक किया। अब जिसकी जान को मानी इतनी इनसिक्योरिटी हो, आगे प्रदर्शनकारी उसकी गाड़ी के 10 फुट 12 फुट पे आ जाए, इससे बड़ी क्या आप कुताही क्या करते हैं। और एक आदमी आ गया हो तो हो सकता है कि कोई मदबुद्धि हो या कोई अलग से आ गया हो, नहीं समझ पाया हो, अरे इतना बड़ा 150 लोग आके खड़े हो जाते हैं और पूरा प्रशासन पूरा जानी दे जो पुलिस नपुंसक बन के खड़ी हो जाती है, क्यों? ये कोई सोच में नहीं आता कि पंजाब वासियों को देश में समझ नहीं आता कि देश का पूरे पूरे विश्व में पंजाब की साख खराब किसने की, इन्होंने की या किसी और ने की? इस बात का बड़ा तकलीफ है कि प्रधानमंत्री ने यह कर दिया, आपने कर्तव्य नहीं निभाया, तुम्हें अपना फर्ज निभाने तो मुकर गए हैं, अपने कुताही की है, तुम्हें अपना फर्ज ठीक तरह निभाया नहीं। पंजाबी दी एक कहावत है, उठ ना हो फिटे मुंह गोडिया का, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो मगर दोष किसी को दे रहे हो, किसी और दोष दे देना ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस का कितने भी इसे तो पता लगता है कि इस मानसिक की सोच तक मुख्यमंत्री ने पंजाब नु संभालन वाली सोच कांग्रेस विच है ही नहीं, इस चीज तो पता लगता है। चलिए सर बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा आपसे, पंजाब में पहले ट्रेडिशनल फाइट होती थी, आपका अकाली से अलायंस होता था और कांग्रेस लड़ती थी, फिर आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, अब आपका कैप्टन साहब ढींडसा साहब का अलायंस हो गया, 4 किसानों ने अपनी पार्टी बना ली, ये जो मल्टी कॉर्नर फाइट है, वोट डिवाइड होगा, वोटर कंफ्यूज होगा, तो इसका फायदा नुकसान है किसे? देखिए ये तो जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए अपने अपने राजनीतिक दल का लोग नहीं कह सकता, क्योंकि जब इनकी आशाएं इच्छाएं अलग तरह से, हमने तो कहीं गठबंधन धर्म नहीं तोड़ा अकाली दल ने, तो इसलिए हमारे पे दोष नहीं आ सकता। उनकी आशा इच्छा होगी कि हम शायद अकेले में बहुत बड़ा कर लेंगे, ऐसे ही बीएसपी के साथ गए ना वो, हाँ तो बीएसपी लगता है ना कि बहुत बड़ा कर लेंगे। और आज मैं देखता हूँ, एक और बता दूं, अकाली दल और भाजपा का गठबंधन था, किसी से भी पूछ लो, वो विश्वास था कि अकाली दल की वोट भाजपा को ट्रांसफर होगी, भाजपा की ट्रांसफर ईमानदारी से अकाली दल को होगी। आज पूरे प्रदेश में घूम के ये बताइए कि ये गठबंधन एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने की स्थिति में है, पूरा प्रदेश तो घूमे, पता तो करें। हाँ मीडिया के आगे तो नेता कह देंगे, मगर जनता को सुन के आए, कोई नहीं कहता कि अकाली दल का वोट जो बीएसपी को जाएगा और बीएसपी का वोट अकाली दल को आएगा, ये जाके जनता से पूछ के तो आए, इसका भी सर्वे करके देख लीजिए जी। ये गठबंधन नहीं है, ये सत्ता की भूख है। गठबंधन जो था वो हमारा था और हमने अपना गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाया। बस मल्टी कॉर्नर फाइट हो रही है क्या? मल्टी कॉर्नर जब इनकी सब सत्ता के भूखे आ जाएंगे तो विचारों के साथ नहीं, तो हर एक को चाहता है, लगता है कि मेरी सरकार बन जाएगी, मेरी सरकार बन जाएगी, मगर जो इस देश की नुहार इस प्रदेश को संभाल सकती है वो अगर कोई सही सोच है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज इंडस्ट्री पंजाब में लगाने की सोच रही है, जो व्यापारियों को और कैसे राहत दे सकती है, वो सोच, जो यहाँ पर किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग के जो कार्यक्रम शुरू किए जाए और यहाँ पर खेती आधारित इंडस्ट्री लगे, ये सोच अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में, नहीं है तो अकाली दल को तो ये मिनिस्ट्री भी दी गई थी, कितनी इंडस्ट्री लगी फूड प्रोसेसिंग की यहाँ पे, ये सब हम जानते हैं, नहीं लगा पाए क्योंकि उनकी सोच नहीं। एक आध फूड पार्क बना दिया वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी उसमें था ही नहीं सोच, नहीं वो हो जाएगा ठीक, नहीं हो जाएगा नहीं, मगर करना हो तो उसके पीछे पड़ना पड़ता, पीछे आपको कौन लगा? कोई नेता ऐसा लगा? एक भी नेता बता दीजिए किसी भी दूसरी पार्टी के, भाजपा के अलावा,
जो ये सोचता होगा कि पंजाब को ये चीज चाहिए, कोई नहीं सोचता। नहीं, एजेंडा पेश तो कर रहे हैं ना, पंजाब मॉडल, वो पंजाब मॉडल क्या? नवजोत सिंह सिद्धू भी रख रहे हैं कि जी रेते से इतना आ जाएगा, लिकर से इतना आ जाएगा, एजुकेशन ऐसा कर देंगे कि बच्चे बाहर ना जाएं, वो तो आम आदमी पार्टी भी रख रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली मॉडल जो कह रहे हैं कि इसमें कितने स्कूल हैं, अगर वो मोहल्ला क्लिनिकों की हेल्थ की बहुत बड़ी कर दी, क्यों नहीं दिया? वहां तो सत्ता थी, इनका सरकार का आदमी था, सबका एमएलए था, यहां पर उन्होंने भेजा था प्रकाश सिंह बादल जी के खिलाफ लड़वाने के लिए, तो क्यों नहीं कर पाए? वो अपने नेता को नहीं बचा पाए, किसी को क्या बचा? अगर हॉस्पिटल तो मिले, जीना मरना तो भगवान के हाथ में, मगर जो सर्विस है आपके पास, एक सरकार होते हुए उसको हॉस्पिटल नहीं दे सकते। मॉडल तो सिद्धू भी रख रहे हैं ना, कौन सा मॉडल है ये फ्री, वो फ्री, गाली गलोच का कौन सा मॉडल है? जिसको गाली कर देंगे उसको गाली क्लच कर देंगे, ये कोई राजनीतिक व्यक्तियों का काम थोड़ी है। कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई शेर सुना रहा है, कोई कविताएं सुना रहा है, और कहीं भी पंजाब को गंभीर नेताओं की जरूरत है। यहाँ पे गंभीर बताइए ना कौन है, एक भी आदमी का नेता का बताइए नाम जो गंभीर है पंजाब के लिए। ये सोच रहा है, ये सोच रहा है कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, ये भी लुटा देंगे, ये भी लुटा देंगे, ये भी लुटा देंगे। अरे भाई, इस प्रदेश का विकास कैसे करोगे, ये कौन कह रहा है, किसकी सोच है? यहाँ पे सोचने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लुटिया डूबती है तो डूबे, मुझे सत्ता में आना है और इस देश का कबाड़ा करना है, इस प्रदेश का कबाड़ा करना है, यही सोच के आते हैं। सब चेहरे दे रहे हैं, बीजेपी भी देवे फिर हमारे, तो मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जात पात और पंथ धर्म के नाम पर नहीं, ये कम्युनिटी से आएगा, वो कम्युनिटी से आएगा, यहाँ पर तो जो भी हाईकमान देखेगी, जो सक्षम होगा वो आएगा, और पंजाब के लिए हमारे पास मॉडल इस प्रदेश की खुशहाली है, विकास करना है, और जो ये आपस में भाईचारक जी सांझ साड़ी टुट गई है उसनों मजबूत करना साड़ा काम है, और जदों वो भाईचारक सांझ होएगी ता ही असी देश नू खुशहाल बनने वाले सोचांगे, फिर असी अपने लिए मैं नहीं, मैं मेरा प्रदेश मेरा देश ये सोचांगे। इत्थे कोई भी बंदा मेरा प्रदेश मेरा देश सोचने वाला व्यक्ति नहीं है, वो कहते मैं ते मेरा, इस तो अलावा कोई नहीं, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी केड़ी है, वो कहते मैं ते मेरा, और सोच कित्थे है? सत्ता लेनी है, इन्हू भी भुखे कहते तेन रोटी देंगे, इन्हू भी लारे ला दे, उन्होंने भी लारे ला दे, झूठे वादे करके काम दे बेड़ो, और बाद दे विच कोई नहीं पूछे, दस दो नहीं था यहां पर एदे ते इत्थे गंभीर पार्टी केड़ी है? पब्लिक को समझा पा रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं? देखिए, आप मीडिया के माध्यम से ना समझाना हुंदा साडा जी, साडा काम है समझाना, ठीक है, समझाता सी कई चीजा नहीं पा सी, ठीक है, अज जिहड़ा असि समझाण दी गल कर रहे हैं कि तुहाडा इन्हां दा सत्ता दे अपनी सत्ता हासिल करन तो बाद इन्हां दे कोल है की कोई रोड मैप की दसो की है, इस दा इन्हां कोल की एजेंडा की है? रोड मैप दिखाते हुए ना सर, वो कौन सा मुझे एक भी चीज भाई वो बता रहे, उस रोड मैप में पंजाब कहाँ खड़ा है? मैं खड़ा हूं, मेरी पार्टी खड़ी है, इसके अलावा पंजाब कहाँ खड़ा है, वो कहाँ है, वो किथे है, पंजाब किथे है? मैं ते मेरा ते मेरी बस। चलिए साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सांपला, तमाम विषयों पर उन्होंने खुलकर MH1 प्राइम से बात की। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।